दिस इज प्रियंका एंड दिस इज विजय। आज हम लोग रिएक्शन लेके आए स्कंदा के ट्रेलर पे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे चैनल नेम। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को कैसे होने वाला है ट्रेलर। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर, न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। सीएम का होने वाला दामाद और क्या? और क्या? हम सिर्फ चिकन और मटन का अचार नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पर दुश्मन का भी बना देते हैं। बात समझ में आई? बढ़ गया ना टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एंट्री। तो शुरू करें, देखें किसमें कितना है दौड़। हर इंसान की मर्यादा, हर गांव की प्रतिष्ठा और हर ओहदे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और उसकी और उसके गांव की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। जब किसी कुत्ते को मारता हूं तब सिर्फ उसका गला दिखता है, उसके गले का पट्टा नहीं दिखता। सो द एक्शन लवर्स, आप लोगों के लिए एक और साउथ इंडियन तड़कती भड़कती मूवी आ गई है। फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ डायलॉग डिलीवरी, बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी, सच में है ना। कॉमेडी वाली भी थी और इमोशनल भी, उसमें एक्शंस हैं और उसमें ना कुछ स्टोरी कुछ अलग है, स्टोरी नहीं समझ आएगी आपको, है ना। चिकन मटन का अचार नहीं बनाते, बड़े पे दुश्मनों का अचार भी बनाए थे। बहुत बढ़िया, सीन्स बहुत अच्छे हैं और साउथ इंडियन मतलब इज इक्वल टू एक्शन, फुल ऑन एक्शन, बहुत बढ़िया। डायरेक्टर भी इनके काफी ज्यादा जाने माने हैं साउथ इंडस्ट्री में और वी होप कि ये वाली मूवी भी उतनी बेहतरीन उतनी तरीके से इन्होंने डायरेक्ट की होगी कि लोगों को पसंद आएगी और हमें तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा ट्रेलर तो बहुत बढ़िया लगा, धमाकेदार लगा। सो देखते हैं मूवी कैसी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।